बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी साइंस की टीचर मिस सुम्बल। हम क्लास एट की केमिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेज नंबर 7 पे एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर के बारे में हम पढ़ेंगे। एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड्स क्या है और मिक्सचर क्या है। इससे पहले हमने केमिस्ट्री और उसके ब्रांचेस के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स के बारे में। फर्स्ट हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स है। एन एलिमेंट्स है फ्यूर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू अदर सिंपलर सब्सटेंस बाय एनी ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। हमारे पास जो ये इसकी डिफिनेशन है कि हमारे पास एलिमेंट ए प्योर सब्सटेंस में मौजूद होता है और डिवाइड नहीं होता। क्या है, इस प्योर सब्सटेंस में मौजूद होता है। केमिकली फिजिकली प्रोसेस तो कर रहे लेकिन वो डिवाइड ज़्यादातर नहीं होता है। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल आप लोग गोल्ड्स लें तो गोल्ड्स के साथ आप कुछ और जो है ना मिक्सअप कर सकते हो, वो तो साफ ही नज़र आएगा ना। तो हमारे पास ये है एलिमेंट्स है, ये जो है ना एलिमेंट्स जो हमारे पास यहाँ पर है। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर अप्रोक्सीमेटली 118 टोटल एलिमेंट्स हमारे पास पीरियोडिक टेबल से 118 एलिमेंट्स है। इसमें जो 92 एलिमेंट्स है वो क्या है, नेचुरली है, नेचुरली अकरिंग व्हाइल द रेस्ट हैव बीन आर्टिफिशियली प्रिपेयर इन लेबोरेटरी। और जो 92 के बगैर 118 तक जो है वो क्या है, वो लेबॉरेटरी में प्रिपेयर किया हुआ है। ये थे हमारे पास एलिमेंट्स। क्या है, एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। एलिमेंट क्या है, एक पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स से बने हैं। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन टेक पार्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं। इसमें कुछ पार्ट जो है ना वो केमिकली रिएक्शन करता है। ईच एलिमेंट कंसिस्ट ऑनली वन काइंड ऑफ एटम्स। एटम्स जो है ना वो कुछ एलिमेंट्स हैं वो वन काइंड ऑफ एटम्स से बने हैं। सही, एटम्स ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ द सेम ऑन ईच अदर बाय अ डिफरेंस फ्राम द एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट्स। मुख्तलिफ है इसका सैम्पल क्या है, सैम्पल ऑफ एटम्स। 1840s में वर्जिलस जो थे वो साइंटिस्ट थे, इसने रिप्रेजेंट किया क्या एलिमेंट्स के सैम्पल्स को। द शॉर्टेस्ट नेम ऑफ द एलिमेंट्स इज कॉल्ड सैम्पल। शॉर्टेस्ट नेम जो एलिमेंट्स का हम शॉर्ट नेम लेते हैं ना उसको हम सैम्पल कहते हैं। इसका फर्स्ट लेटर जो है ना स्मॉल हो, फर्स्ट लेटर क्या हो, सॉरी कैपिटल्स हो, फर्स्ट लेटर इसका हम लेते हैं ज़्यादातर, या फर्स्ट वन लेटर या टू लेटर जो है ना वो कैपिटल ही होगा। देन इनिशियल लेटर इज कैपिटल टुगेदर जो फर्स्ट लेटर हो और वेरी स्मॉल। उसके बाद जो हम लेते हैं कुछ के टू लेटर्स आते हैं फर्स्ट, कुछ के वंस, तो फर्स्ट जो होगा वो तो कैपिटल होगा और जो सेकंड वन होगा वो स्मॉल होगा। यहाँ पर आपको टेबल शो किया है, टेबल 1.1 नेम द सैम्पल नेम एंसेंबल्स सम कॉमन एलिमेंट्स। नेम भी दिया है एलिमेंट्स का और सैम्पल्स भी दिया है। यहाँ पर देखो फर्स्ट हमारे पास बोरॉन है तो बोरॉन्स के हमने क्या लिया, बी लिया। कार्बन है तो कार्बन के सी हमने सैम्पल्स दिया एलिमेंट। फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का एफ लिया। हाइड्रोजन है एच है ऑक्सीजन ओ नाइट्रोजन एन सल्फर एस। अब अलमूनियम है तो अलमूनियम के हमने जो फर्स्ट लेटर ए है वो कैपिटल है उसके बाद एल दो लेटर्स दिए तो अलमूनियम आए। कैल्शियम के हमारे पास फर्स्ट सी कैपिटल है और उसके बाद जो ए है वो स्मॉल है तो कैल्शियम के। मैग्नीशियम के भी टू लेटर्स हमने लिए एम जी। क्या है ये हमारे पास, ये हमारे पास एलिमेंट था और इसका सैम्पल था। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इसका टेबल्स में आप लोग देखें नेम्स आप एलिमेंट्स टू नेम्स भी देते हैं आपको शो किया है। ये देखें टेबल 1.2 लेटिन एंड ग्रीक वर्ड लैंग्वेज नेम, इसमें हम जो है ना सैम्पल्स में देते हैं। ये एंटीमनी स्टेबियम एस बी हमने लिया। कॉपर है हमारे पास क्यूप्रियम सी यू हम लेते हैं इसका जो सैम्पल हम लेते हैं। गोल्ड है हमारा ऑरियम हम कहते हैं ए यू हम लेते हैं। आयरन है पेरियम हम कहते हैं तो ये एफ ही है। मुख्तलिफ ये है टिन है स्ट्रेनियम है ऐसे ही लेते हैं। तो टंगस्टन है वोल्फ्राम है डब्ल्यू हम लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पर जो है ना कुछ के इस नेम से जो हमारे पास रेफरेंस नेम ये है दो नेम्स दिए टू लेटर टू पाम में लेटन और ग्रीक पाम में। तो हमने जब कुछ इसके लेते हैं तो कुछ इसके लेते हैं सैम्पल इसके समान। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है 9 पेज पे कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या है, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं।
कंपाउंड इज ए पेयर ऑफ साइक्लोहेक्सेन कंसिस्ट ऑफ टू आर मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन एपिक्स रेशियो बाय मास। हमारे पास कंपाउंड इस चीज है जो हमारे पास टू प्योर फॉर्म में सबस्टान आ जाए, टू प्योर फॉर्म हो, हमारे पास टू हो या टू से ज्यादा हो, यानी वन फॉर्म ना हो, टू हो या टू से ज्यादा हो लेकिन डिफरेंस एलिमेंट्स हो और वो केमिकली कंबाइंड हो जाए, केमिकली रिएक्शन करके कंबाइंड हो जाए तो हमारे पास एक कंपाउंड बन जाता है। उसका जो हमारे पास रेशियो हो वो फिक्स हो और मास भी हमारे पास उसका फिक्स हो, सही है। यहाँ पर हमारे पास जो है ना एक एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल आप लोग ले H2O। क्या है H2O? हमारे पास वाटर का फार्मूला है। तो हमारे पास हाइड्रोजन है एक सब्सटेंस है और ऑक्सीजन है, तो टू हाइड्रोजन हमने लिया है और एक ऑक्सीजन लिया है, तो जब हमारे पास टू हाइड्रोजन ऑक्सीजन आया तो H2O बन गया, तो हमारे पास कंपाउंड बन गया टू एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वन एलिमेंट। तो रेशियो इसका क्या आया, हमारे पास ये वाटर एटम्स है, हाइड्रोजन के एटम्स और ऑक्सीजन के एटम्स दोनों हमारे पास वाटर बन गए, हमारे पास जो रेशियो इसका आया। नेक्स्ट पेज पे आप लोग देखें पेज नंबर 10 पे टू रेशियो वन, टू हाइड्रोजन है तो टू रेशियो वन पिक्स रेशियो है और पिक्स मास है इसका हमारे पास। दूसरा एग्जाम्पल भी दिया है कि हमारे पास वन ऑक्सीजन है, टू हाइड्रोजन है और टू ऑक्सीजन हमने दिया है H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये देखे आप लोगों को शो किया है, तो हमारे पास इसका रेशियो टू हो गया, क्योंकि उसका ये रेशियो भी हमारे पास आया, रिजल्ट आया हमारे पास कंपाउंड जो बन गया तो टू रेशियो टू हमारे पास आया और इसका जो मास है वो भी फिक्स है। यहाँ पर नेक्स्ट ये है फार्मूला कंपाउंड, फार्मूला कंपाउंड किस तरह होता है, फार्मूला शो इन द सेम्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ विच कंपाउंड इज मेड एंड देयर कंबाइंड रेशियो टू ईच अदर। हमारे पास जो फार्मूला शो होता है, फार्मूला कंपाउंड किस तरह आता है कि हमारे पास दो रेशियो आपस में कंबाइंड होते हैं तो हमारे पास जो कंपाउंड बन जाते हैं तो वो रेशियो की वजह से, हमारे पास यहाँ टू एच टू ओ टू है ना, तो टू हमने H2 का लिया और टू हमने O2 का यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दो पार्ट में लिया हमने, तो टू रेशियो टू हमारे पास कंबाइन होके फार्मूला कंपाउंड आया। हमारे पास यहाँ पर ये टेबल शो किया है 1.3 टेबल्स है, यहाँ पर कॉमन नेम है, ये केमिकल्स नेम दिया है और केमिकल्स फार्मूले भी दिए हैं। बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ब्लीचिंग पाउडर्स है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOHO, चिल साल्ट पेटर्स लाइम स्टोन लाइम वाटर मिल्क वाटर स्लेक वाटर, ये है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर फार्मूले भी शो किए हैं CaOHO2। यहाँ पर मैग्नीशिया मार्श गैस टेबल साल्ट NaCl जो आप लोग आप जिंदगी में ये सारे आप लोग आप जिंदगी में इस्तेमाल करते हो, ये जो हमारे पास टेबल साल्ट NaCl नमक तो सोडियम क्लोराइड ने केमिकल नेम है, कॉमन नेम इसका टेबल साल्ट है और केमिकल फार्मूला NaCl है, बेकिंग सोडा है वॉशिंग सोडा है कास्टिक सोडा है, ये हमारे पास आम जिंदगी में इस्तेमाल होता है, ये फार्मूले भी शो किए हैं और इसके नेम भी शो किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है मिक्सचर्स है, हमारे पास मिक्सचर क्या है, ए मिक्सचर इज मेड अप ऑफ टू आर मोर सब्सटेंस दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड, ए मिक्सचर मे बी कंसिस्ट एलिमेंट कंपाउंड आर बोथ। मिक्सचर हमारे पास क्या है कि वो केमिकली कंबाइंड ना हो, टू आर मोर सब्सटेंस हो लेकिन केमिकली कंबाइंड ना हो, क्यों, क्योंकि वो जो है ना मिक्सचर है वो आसानी से जो है ना अलग हो सकता है, तो हमारे पास जो मिक्सचर है वो वही एलिमेंट्स और कंपाउंड से ही बनता है लेकिन केमिकली कंबाइंड ना हो, यहाँ पर इसकी पिक्स रेशियो नहीं होती। और दूसरा ये यहाँ पर इसका जो टू टाइप्स दिया है और एग्जांपल्स भी दिए हैं, शुगर्स ले ले आप लोग, एक हम एग्जांपल लेते हैं कि शुगर्स और वाटर्स, आप लोग शुगर्स ले और वाटर्स ले पानी ले ले और उसमें मिक्सअप करें तो उसका टेस्ट तो स्वीट होगा लेकिन वो मिक्सचर तो बना लेकिन वो आसानी से अलग नहीं होता, सही है। दूसरा ये हमारे पास है कि हमारे पास एलोय हम ले लिया है, मिक्सचर ऑफ मेटल विद अदर एलिमेंट मेटल और नॉन मेटल्स ब्रास एंड रोज, हमने एग्जांपल के में ये लिया है तो ये जो है ना ये हमारे पास मिक्सचर है। टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर है हमारे पास, होमोजीनियस मिक्सर है और एक हेट्रोजीनियस मिक्सर है।
पहले हम होमोजीनियस मिक्सर के बारे में पढ़ेंगे। होमोजीनियस मिक्सर हमारे पास क्या है, सेम मिक्सर हो। होमोजीनियस मिक्सर इज वन विच यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास, फॉर एग्जाम्पल टेबल साल्ट एन एस एल वाटर। हमारे पास एग्जाम्पल भी दिए कि होमोजीनियस मिक्सर क्या हो, जो हमारे पास वो सब्सटेंस हो जो खालिस फॉर्म में आ जाए, जो इसका मास हो पाएगा। पर हमने एन एस सी ए दिया, तो आप लोग जितना पानी लेते हो, वाटर लेते हो, तो उतना तो नमक नहीं ले सकते ना। एक चम्मच नमक ले कर थोड़ा सा पानी लोगे ना, ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी एक गिलास दो गिलास पानी लो। तो हमारे पास ये बिल्कुल फिक्स्ड, इसका जो फिक्स्ड मास है वो फिक्स नहीं होता, थोड़ा सा ले। और वो जो मिक्स होता है वो केमिकली मिक्स होता है, वो सोल्यूशन तो बन जाते हैं जब वाटर में एन एस सी एल आ जाए, लेकिन वो आसानी से अलग नहीं होता। तो ये हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है। सही, यहाँ पर हमारे पास हेटरोजीनियस मिक्सचर दिया है। हेटरोजीनियस मिक्सचर इज वन विच डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन टू इट्स मास, वन पार्ट ऑफ मिक्सचर हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन देन द अदर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर कंपोनेंट्स, फॉर एग्जाम्पल सलाद, डर्ट, सैंड एंड वाटर। हमारे पास जो हेटरोजीनियस मिक्सचर है ये डिफरेंट फॉर्म में है, ये इस तरह डिफरेंट फॉर्म में है कि इसका मास जो है ना वो भी हम इसका मास मालूम नहीं कर रहे, यानी कितना ही है, लेकिन जब ये मिक्सअप हो जाता है तो ये आसानी से अलग नहीं होता। ये हमारे पास मिक्सचर है और हेटरोजीनियस मिक्सचर है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग, दूसरा ये है दो पार्ट है कि ये जो है ना ये डिफरेंस हो सकता है, लेकिन कौन से फॉर्म में, जब थोड़ा सा हम इसके रख लेते हैं। यहाँ पर एक सलाद दिया है ऑर्डर, जब ये मिक्सअप होता है तो आप लोग सलाद से तो वो उठा सकते हो ना, एक एक अलग कर सकते हो ना। दूसरा ये जब बड़े बड़े हो, जब आप लोग सैंड लो, दो एग्जांपल दिए, सैंड लो और वाटर लो, सैंड वाटर में सैंड डाले, थोड़े से टाइम के लिए रखे, फिर आप लोग वाटर उससे अलग कर सकते हो ना। ये हमारे पास हेटरोजीनियस मिक्सचर, तो वो आसानी से अलग हो सकता है। होमोजीनियस मिक्सचर हमारे पास आसानी से अलग नहीं होता। होमोजीनियस मिक्सचर में हमारे पास वाटर और शुगर्स के एग्जाम्पल हैं, वो डिजॉल्व हो जाए तो वो आसानी से अलग नहीं होता। और हेटरोजीनियस मिक्सचर में हमारे पास जो है ना सैंड और सैंड के पार्टिकल्स और वाटर जो है ना वो आसानी से अलग हो सकता है। सही है, और शुगर जो है वो इनविजिबल है, तो वो माइक्रोस्कोप पे ही आप लोग देख सकते हो। फिर उसमें जब आप पानी में शुगर डाल देते हो तो वो माइक्रोस्कोप पे भी देख सकते हो। ओके, थैंक्स।